साथियों, पंजाब के एक क्षेत्र ने देश को ये दिखाया था कि खेती भी खुशहाली का जरिया बन सकती है। लेकिन आज स्थितियां बदल रही है, यहां की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट रही है, मिट्टी में केमिकल्स बढ़ गए हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से देश में थी, ये फाइल पर बैठ गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठ ही बोलती रही। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम करके दिखाया। भाइयों बहनों, ये हमारा किसानों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी का लगाव है। हमने, आप देखिए पुराने रिकॉर्ड, और मैं चुनौती देता हूं किसी भी दल को, हमारे समय में अनाज की रिकॉर्ड खरीदी की और किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा है हमने, उसके खाते में सीधा पैसा आता है। भाई और बहनों, पंजाब के किसानों को आज नई सोच और नए विजन वाली सरकार चाहिए। आज किसान को बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। ये भाजपा की सरकार है जिसने जल जीवन मिशन शुरू किया है। आज हम पंजाब के घर घर में साफ पानी का कनेक्शन देने के लिए, नल से जल पहुंचाने के लिए हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं।